पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा, ये सारे पंचभूतों को भगवान ने सारे प्राणियों को एक समान दिया है। और सोच एक महाशक्ति भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है। वही सोच प्यार, नफरत और कई सारे विचार और इंसानों का स्वार्थ, अहंकार पैदा करता है और उसका अंजाम होता है मौत। इंसान एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है, फिर एक दूसरे को काटने के लिए इंसान जानवर बन जाता है। हेलो, कौन? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब सुनाई दे रहा है, चलिए बोलिए। क्या मर्डर हुआ है सर? सर, यहाँ पर एक जिंदा है सर। आज तक तेरे ऊपर कोई कंप्लेन, कोई केस दर्ज नहीं हुआ और आज तूने इतना बड़ा कांड कर दिया, विश्वास नहीं होता। इसका मतलब या तो तू बहुत भोला इंसान है या फिर तू बहुत ज्यादा चालाक है। इससे पहले कि इस केस के बारे में तुझसे बात करूं, तुझे मेरे बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। अक्षरा मेरी बहन है,
मेरी बहन मतलब तुम सबकी बहन। जो ये भूल जाएगा मैं उसे याद दिलाऊंगा। जैसे इसे याद दिला रहा हूं चाहे उसने जो भी किया हो लेकिन तूने तो अनर्थ कर दिया। क्या तुम्हारा उस नाम पर राइट्स है? राइट्स नहीं, प्यार और उसके साथ जिम्मेदारी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी गुड मॉर्निंग दीदी। मूवी देखी ना? हाँ। नमस्ते सिस्टर। ए, दोबारा सिस्टर बोला ना तो जान से मार दूंगी। हानी तो तुझे मैं मेरे चेहरे से क्या बहन जी लगती हूँ? सॉरी सिस्टर। खाना खाता है या घास? हट। दीदी नमस्ते। दीदी गुड मॉर्निंग। दीदी गुड मॉर्निंग। दीदी नमस्ते। गुड मॉर्निंग। दीदी नमस्ते। गुड मॉर्निंग। दीदी गुड मॉर्निंग। दीदी नमस्ते। दीदी गुड मॉर्निंग। दीदी गुड मॉर्निंग। मेरे चेहरे पर दीदी लिखा हुआ है क्या? पागल हो गए हो तुम सब। माँ तू इतने जोर से चिल्लाई मैं डर गई। मेरे चेहरे पर दीदी लिखकर पैदा किया था। क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने कुछ कहा? वो तो मेरा भाई लगता भी नहीं है। सच कहूँ वो तो यम है। अरे कॉलेज में जिसको देखो वो सिस्टर सिस्टर बोल रहा है। टॉर्चर कर दिया है मुझे। आप बस हंसती रहिए, जा रही हूँ मैं। कभी तो कोई ऐसा मिलेगा जो भाई से नहीं डरेगा, देखना उसके साथ भाग जाऊंगी। फिर मत कहना मैंने बोला नहीं। सुनो, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन पहले समुद्र किनारे एक घटना हुई थी जिसमें एक इंसान की लाश मिली थी। पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है। ये बेकार के न्यूज़ देखते रहते और मुझ पर पाबंदी लगाते। शहर के आसपास के लोगों से पुलिस इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो अच्छा है, शायद उसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए। मैंने बोला और हो गया। भगवान जी मेरी एक और हेल्प कर दीजिए, मेरा भाई कहीं बिजी हो जाए और मैं अकेले हैप्पी हैप्पी कॉलेज चली जाऊं। ओके फ्री में नहीं? हाँ, दो नारियल चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। भाई रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहे हैं। कौन सी जगह? शिवपुरा में ना, वहाँ के लोग हैं सर। अच्छा वो ठीक है, बहन को छोड़कर आता हूँ। भाई वो थोड़ा अर्जेंट है। ठीक है। अक्षरा। हाँ? मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। संभल कर कॉलेज जाना। ओके भैया। तुम्हारी बेटी आज फाइनली स्वतंत्र हो गई। फुल फ्रीडम। आपको पता है माँ, मैं जो मांग रही हूँ वो सब हो रहा है। अच्छा तो जरूर आज कुछ होने वाला है। देखो वहाँ। क्या माँ, आप ही ना, इतनी मुश्किल से आज एक चांस मिला था। भाई का मन बदल जाए उससे पहले मैं यहाँ से गायब हो जाती हूँ। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। रोज ऐसे ही मेरी इच्छा पूरी करते ना, मैं रोज तो नारियल चढ़ाऊंगी। ओके ठीक है ना? माँ! क्या हुआ? इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, जब भी छोड़ता कुछ गड़बड़ हो जाती है। गुना
भाई प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ठीक है भाई। बाय भैया। कॉलेज में बाप आ गया, इसके लिए सही मर्द यही है। पीछे चलो, पीछे। आओ जीजा जी, आओ आइए आइए। अरे जीजा जी, जीजा जी, कैसे हैं? तुम लोग मुझे जीजा जी क्यों बोल रहे हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ पर हमारी एक बहन है, उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। हेलो जीजा जी, फालतू की बकवास बंद करो। जीजा जी तो शर्मा गए। हाय जीजा जी। हाय जीजा जी। हाय जीजा जी। हाय जीजा जी। सारे के सारे पागल हो चुके हैं, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हाय जीजा जी। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग। तुम सबका स्क्रू ढीला हो गया क्या? झटका लगा ना? मैं तो बता रही थी कि वहाँ लिखा है सबके प्यारे जीजा जी। हाय, आई एम अक्षरा। चल हट। हे, अरे, हेलो। लगता है बहुत एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। हाँ, ऐसा क्या खाते हो बताओ तो? एकदम परफेक्ट हो। थू। ओए। सुधीर। यस सर। सुजीत के बारे में मालूम करना है, उसके जीजा को बुलाओ। ओके सर। एक दिन सुजीत जख्म के साथ घर आया सर। पूछने पर पता चला कि अक्षरा उससे प्यार करती है। ऐसे फॉलो क्यों कर रही हो? सबके जीजा जी पर लाइन मार रही हूँ। क्या कहा?
सबके जीजा जी पर लाइन मार रही हूँ। चल हट। हेलो, अभी तुम बस मेरे प्यार को फील करो, थोड़े दिन बाद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। थू। जल्दी जा रहे हो, थोड़ा संभल कर, कहीं शर्ट फट ना जाए। शर्ट फट गई तो कोई बात नहीं, अगर वहां जाएगा ना तो पिघल जाएगा। ए, तब से ऐसे मुझे घूर क्यों रही हो तुम? क्यों, नजर लग गई क्या जानू? नजर उतारती हूँ, इसकी नजर, उसकी नजर, कॉलेज में सभी की नजर। थू, 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 थू। दो मिनट चुप नहीं रह सकती जब देखो बकवास करती रहती हो। लगता है तुम्हारी माँ ने बहुत केसर खा के तुम्हें पैदा किया, तभी इतने गोरे चिट्टे पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें पटा रही हूँ। दिमाग खराब है क्या? पास आके किस करके देखो, पता चल जाएगा। ये तो दिमाग से पूरी मेंटल है। ओए सुनो, इस पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम ही एक जीजा जी हो और पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही एक दीदी हूँ, तो रिश्ता जुड़ गया ना। पूरे कॉलेज में तुम ही एक जीजा हो और एक ही दीदी है, रिश्ता जोड़ सकते हो ना। ए, बकवास बंद कर, बिना सेंस की बातें मत करो। क्या सेंस यार, अक्षरा तुझे पूरा लाइन दे रही है, वो डीप में घुस गई है। सही है भाई, एकदम पति जैसा फील दे रही है। तू बोल दे, रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ यार, जितना दूर जाता हूँ उतनी मेरे पास आ जाती है, वो लड़की समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। लगता है अब उसे एक दोस्त की तरह मुझे समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त बन सकती है। कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करने आते हैं यार, ना कि ये सब करने। ए, अब हंसना बंद करो, समझे? मैं उस लड़की को बोल दूंगा कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, वो फालतू की उम्मीद ना पाले। अरे उम्मीद नहीं, डर डर। अबे तेरी कोई बहन होती तो तू उसको प्रोटेक्ट करता कि नहीं करता? करता। कंपनी चाहिए क्या? छोड़ देंगे, हम जैसा बोलते हैं वैसा करो, सच में छोड़ देंगे। प्लीज सामने से हट जाओ, हटो कहा ना, प्लीज जाने दो। तुम यहाँ पर? तुम कैंपस में नहीं दिखे तो मैं। क्या बात है लवर, तो ये हीरोगिरी दिखाएगा? देख यार, मैं झगड़ा नहीं चाहता हूँ, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ये मेरी दोस्त है। तो क्या कर लेगा? मुझे छेड़ा तो इसे गुस्सा आया, मतलब मुझे पसंद तो करता है। मैं दिखाई नहीं दिया तो जहाँ मन करेगा वहाँ पहुँच जाओगी? हाँ।
ठीक है, आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? चलो शुरुआत तो हो रही है, फिलहाल यही सही। क्लोज फ्रेंड्स? फुल क्लोज फ्रेंड्स। थैंक्स। ओके, अब तो खुश हो ना? हाँ। अब सुजीत एक मिनट। हाँ ओके। तुम्हारी वजह से ही सुजीत मेरे साथ कॉलेज जा रहा है। सिस्टर पार्टी कर लो। सुजीत पर हाथ उठाएगा? बाप रे। नालायक। थैंक्स बोलने गई थी। अब हम चलें? अक्षरा, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सुजीत। अरे बाप रे, कॉफी बोल रहा है। कॉफी मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफी? हाँ। अरे कहीं ये कुछ और तो नहीं समझ बैठी, कॉफी शेयरिंग का मतलब कुछ और तो नहीं है? ए, तुम ऐसा क्या सोच रही हो? एक्चुअली मैंने परसों यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था। कॉफी पीने से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। एक्चुअली बहुत सारी टाइप की कॉफी होती है, डार्क कॉफी, चॉकलेट कॉफी, क्रीम कॉफी, कोल्ड कॉफी, सिंगल शॉट कॉफी, बहुत सारी। तुम्हें कौन सी टाइप की कॉफी चाहिए बोलो? अभी हम क्लोज फ्रेंड्स बने हैं ना, तो मुझे कोल्ड कॉफी ही चाहिए। थप्पड़ पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। उफ, ये लड़की भी बहुत बिगड़ गई हो तुम। ये सब कुछ इस फोन की वजह से, पता नहीं क्या क्या दिखती रहती हो। एक बात समझ लो, आज से जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। पहले ये फोन इस्तेमाल करना बंद कर दो। अरे अरे, फोन क्यों फेंक दिया? जाने दो, तुमने कहा ना तो फेंक दिया। पूरी मेंटल है ये तो। और क्या करना है बोलो तो? इससे तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुम्हें रोज एक घंटा योगा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मन थोड़ा शांत रहे। मैं तो बचपन से योगा कर रही हूँ, भैया ने ये आदत डलवाई। ओ वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ तुम्हें रोज मंदिर जाना होगा, इससे दिमाग और दिल दोनों कंट्रोल में होगा। अरे सुजीत, मेरा तो घर ही एक मंदिर है। रोज सुबह पूरे एक घंटा में भैया के साथ बैठकर पूजा करती हूँ। ठीक है, एक काम करो, किसी भी लड़की के लिए माँ एक किताब की तरह होती है, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो। सॉरी सॉरी, 22 सालों से माँ के साथ ही तो टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है। सुजीत, तुम मुझे डांटते हो ना तो अच्छा लगता है। Hey! तुम यहाँ पर कैसे? कल तुमने कॉफी शेयर करने को कहा था ना, इसलिए आ गई। आज कॉफी शेयर करें? अरे तो क्या घर पे आ जाओगी? क्या यहाँ से? पापा देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो डरता भी है, मतलब कॉफी नहीं पियेंगे? चुप हो जाओ। कॉफी नहीं पियेंगे क्या? अरे मैं आता हूँ ना, तुम जाओ। ओके। अरे जाओ ना। क्या बात है जीजा जी, सुना है हमारी बहन घर तक आ गई थी। अरे बाहर जा भाई, देखना कैसे घूम रही है। चुप, पढ़ाई पे ध्यान दे। चल जाओ। जाओ यहाँ से। मैं आ जाऊंगी, मैं आ रही हूँ। अरे ये लड़की भी ना, जाओ यहाँ से तुम।
अरे जाओ ना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जाओ। तुम बाहर क्यों नहीं आए? बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। हे जाओ। अक्षरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉमन सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई केम। कुछ भी डाउट है तो बाहर जाके क्लियर करो। प्लीज गो आउट। ओके मैम। ए तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? पहले अपनी जिप तो लगा लो जानू। पहले ऐसे हंसना बंद करो तुम। ए रुको। ए रुको। तुम्हारे लिए ये बादल और आसमान दोनों साक्षी हैं। अमावस का चांद सिर्फ तुम्हें ढूंढता है। हवा में भी लकीरें खिंच रही हैं। धरती और आकाश कभी आपस में मिल नहीं सकते। ऐसे चुपचाप बस देखते रहोगे क्या? इसकी बात को सच कर दोगे क्या? ए! तुम जो सोचते वो तुमने बोल लिया। अब इस बारिश से बचाकर मुझे लाइट हाउस तक लेकर चलो। इस जन्म में तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है ना? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हार जाने का डर लग रहा है क्या? चलो। ये! आरजी साहब, 2 एकड़ जमीन पूरी मेरे दादाजी की है, सूर्य गार्डन सिटी, और ये 1 एकड़ जमीन समुद्र किनारे। आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है गुना, तुम कुछ बोल रहे थे, क्या है? भाई वो अपनी बहन किसी के साथ। क्या बक रहे हो तुम? सच करो भाई, उस दिन कॉलेज में जिसने हाथ डाला था आप पर। तेरा कॉलर क्यों पकड़ा तुझे समझना चाहिए। कोई बात मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को भूल जाए ऐसा कुछ कर। ठीक है भाई। समझ गया मेरी बात कि और समझाऊं? समझ गया भाई। कर क्या रहा है? Go, 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 go
ए, एक बात समझ लो, प्यार करने उसकी बहन आई थी और मुझे उससे प्यार हो गया है। अब हम दोनों को ऊपर वाला भी अलग नहीं कर सकता। पता नहीं उस लड़की ने मेरे अंदर क्या देखा। मिलते ही मुझसे प्यार प्यार करने लगी। जैसे उसके भाई को पता चला तो उसके भाई ने जान से मारने की धमकी दी थी। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, किसी का भी भाई ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और उसके भाई के इमोशन को मैं गलत नहीं बोल सकता हूं। तूने सुजीत के बारे में जितना बताया उससे तो वो शरीफ लग रहा है, लेकिन वो अक्षरा को अवॉइड क्यों कर रहा था? उसकी वजह मैं ही हूं सर। मेरी वजह से सुजीत की फैमिली में डिस्टरबेंस शुरू हो गया था। भैया यही रोक दीजिए। सुजीत ये देखना। अभी तक देखा नहीं, क्या सोच रहा है तू? इसे देख, कैसा है? अच्छा है ना? ये चिटफंड के पैसों से लिया है, तुम्हारी बहन के लिए। तुम दोनों के लिए लेने गई थी, लेकिन ये नेकलेस देखने के बाद मेरा मन बदल गया। और वैसे भी शादी के बाद वो अपने घर चली जाएगी। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ नहीं माँ, बाहर से आया हूँ ना, आंखों में धूल चली गई। मैं नेकलेस उसे दिखा कर आती हूँ। अरे कहाँ है वो? ए सुजीत, कहाँ है तुम्हारी दीदी? पूरे घर में दिखाई नहीं दे रही, कहीं चली गई क्या? बिना बताए चली गई, टाइम की परवाह ही नहीं है, कितनी लापरवाह है। ठीक है, बाद में दिखा दूंगी। बात ऐसी है माँ, दीदी हमेशा टाइम पर ही जाती है। ये सब देखने के बाद सुजीत का प्यार से विश्वास उठ गया सर। उसे लगा कि प्यार में सिर्फ तकलीफ ही झेलनी पड़ती है, इसीलिए वो अक्षरा से दूर भागता रहा। सुजीत की वजह से मेरे और उसके परिवार की दूरी कम हुई सर। ए सुजीत, जल्दी से तैयार हो जा, जीजा जी बस आने ही वाले होंगे। जीजा जी के आने का टाइम मुझे पता है दीदी, पहले तुम ये खाओ। क्या कर रहा है, पागल है क्या? ऐसे खिलाते हैं? क्या है, छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? देखो ना, वाकई से मुंह में डोसा ठूस दिया। अभी जाना इतना जरूरी है क्या? दो दिन और रुक कर जा सकती हो ना? नहीं माँ, इन्हें खाने पीने में तकलीफ होती है ना। ठीक है बेटा, तुम्हें अपने पति की परवाह है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता क्या? ठीक है, वो तुम्हारा पति है, पर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, हमारा भी थोड़ा ध्यान रखा करो। तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके साथ चली जाना। जाना। दीदी मैं रेडी होकर के आता हूँ। जल्दी जा, जब देखो तब जिद करती रहती है, हमारी बात नहीं सुनती। तुम भी ना माँ कमाल करती हो, पापा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या बोल रही हो, मुझे देख के बोलो। और नहीं तो क्या माँ, 10 दिनों से देख रही हूँ, मेरे सामने तो पापा आते भी नहीं हैं, अब क्या बोलोगी तुम? बाप बेटी के बीच मैं ही पीस रही हूँ, नहीं नहीं मैं ही पागल हूँ। पापा मैं दीदी को ड्रॉप करके आता हूँ। ए सुजीत। हाँ बोलिए ना। बचपन से उसके नाम से कुछ सेविंग किया है और एक फ्लैट लिया है मैंने उसके नाम से, ये डॉक्यूमेंट्स उसको दे देना। बता कैसा है? लोग कहते थे कि प्यार अंधा होता है, ये बात अब समझ में आई। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ छोड़कर चले जाना पागलपन होता है। मैंने शादी कर ली और ये बात मम्मी पापा को बताई भी नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं।
मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे इतना गुस्सा क्यों? मुझे ही तो पकड़ा ना। अरे किसी अजनबी को थोड़ी ना पकड़ा। ए, तुम तो मुझे, तुम्हें क्या काम है मुझसे? एक मिनट। हाँ अब ठीक है, टेंशन खत्म। ऐसा करने से टेंशन खत्म हो जाती है, पता है? ये बताने के लिए यहाँ पर आई हो? नहीं नहीं, एक सीरियस बात करनी थी। अच्छा तुम उस तरफ देखो, मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ही पलटती हूँ। तुम्हारी नजर में मैं एक नकचढ़ी लड़की हूँ, है ना? बहुत शरारती भी हूँ, बड़बड़ करती रहती हूँ, सरफिरी, मेंटल, पागल, यही सोचते हो ना? कोई लड़की किसी लड़के के पीछे भागेगी तो सभी यही समझेंगे, लेकिन मैं ये करके बहुत खुश हूँ सुजीत, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्यों, किस लिए पूछोगे तो आई कांट टेल यू। इस उम्र में सभी लड़कियों के मन में एक ही फीलिंग होती है जो वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाती, लेकिन उसकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन होता है जिसके साथ वो सब शेयर करती है। मेरे लिए वो तुम हो सुजीत, और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग। अगर ये बात अभी नहीं बताऊंगी तो कहीं मेरी सांसें ही ना रुक जाए। आई लव यू सुजीत। लव यू बोलना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल, बाद में पसीने छूट जाते हैं, समझ में आया? तुम्हारी एक फैमिली है, उस फैमिली का सोसाइटी में एक स्टेटस है, तुम्हारा एक भाई भी है, उन सब ने पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा होगा। प्यार करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए ना, प्यार में अंधी मत बनो तुम, तुम्हें पहले अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आज के बाद मेरे पीछे इस तरह पागलों की तरह मत आना, जाओ। जो हत्या हुई है, पुलिस उसकी तहकीकात बड़े ही जोर शोर से कर रही है। ये हत्या जेबी ने क्यों किया है, पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? आए दिन ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं सर, हम लिखते रहते हैं और आपको भी पता है, तो इस मामले में पुलिस क्या कहना चाहेगी सर? गले में टैग हो और हाथ में माइक हो तो जो दिल में आए वो बोलोगी, जो भी पूछना है सीधे पूछो। अब और क्या करूं सर, आरजी केस के मामले में आपके डिपार्टमेंट ने प्रेस के सामने एक भी एविडेंस नहीं रखा, मतलब ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर ये बताइए उस साइको आरजी को अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि आरजी साइको है? जो अपनी बहन से जान से ज्यादा प्यार करे पर दुश्मनों पर जानवरों की तरह टूट पड़े उसे क्या कहेंगे सर, साइको ही बोलेंगे ना? जिसने अक्षरा का नाम अपने हाथ पर लिख दिया था उसका हाथ उसने जला दिया था सर। सो दैट साइको हैज नो राइट टू लिव इन दिस सोसाइटी। रामायण को एक ही तरीके से देखा जाता है और उसमें भगवान भी है और राक्षस भी। एक तरफ इस केस से संबंधित गवाह हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स नहीं आई है। ये सारे रिपोर्ट्स आने के बाद आरजी साइको है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगी।
सर, रिपोर्टर जैसा बोल रही है, आरजी ने जो किया वो गलत किया ना सर? तो फिर हम इस केस को डिले क्यों कर रहे हैं सर? एक बात बता। हाँ सर। राम ने सुरुपनखा की नाक काटकर भेजा, वह गलत था या सही था? लड़की थी सर, गलत तो था ही। पर राम ने ऐसा क्यों किया यह जाने बिना रावण सीता को उठाकर ले गया, वह गलत था या सही था? गलत था सर। फिर रावण के कब्जे में जो सीता थी उस पर रावण की परछाई भी नहीं पड़ी, फिर भी राम ने रावण को मारा, यह सही था या गलत था? सही नहीं था सर। सुरुपनखा ने रावण को सही बात नहीं बताई, सिर्फ ये कहकर कि राम ने मेरी नाक काट दी उसने रावण को भड़काया, ये सही है या गलत? गलत है सर, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं लेकिन छोटी सी बात को नहीं समझते हैं सर। अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है, हालात की वजह से इंसान जो निर्णय लेता है उसी के आधार पर इंसान सही या गलत होता है। लड़की जब 16 बरस की हो जाए उसे 3 साल के अंदर जवान लड़की को, ये सोचकर घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढना अपना कर्तव्य समझते हैं। अगर माँ बाप लड़की की शादी के बारे में लापरवाही करें तो उसके दोषी लड़की से ज्यादा उसके माँ बाप होते हैं। एक परिवार में ऐसा ही हुआ, अगर एक बार जवान लड़की घर की दहलीज पार कर दे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए लड़की के जवान होते ही उसके लिए अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा हर माँ बाप को करना चाहिए, यही इसका एक उपाय है। अपने वेद और काल को छोड़कर इंसान बहुत दूर निकल गया है। तुम बहुत पीछे जाके सोच रहे हो बेटा। लड़की जब 16 बरस की हो जाए उसे 3 साल के अंदर जवान लड़की को, ये सोचकर घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढना अपना कर्तव्य समझते हैं। माँ बाप को समय रहते लड़की की शादी कर देनी चाहिए। वेद और काल, उम्र, ये सब कुछ धर्म के डोर से बंधा है माँ। जब उम्र हो जाती है तो सभी 4 बातें करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। आजादी बहुत दे दी, अब रिश्ता देखते हैं। मैं करता हूं कुछ। जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। अरे बाप रे, सुजीत को दे दे। सुजीत। सॉरी। सॉरी किस लिए? पूछ रहा है सॉरी किस लिए? अच्छा, सॉरी किस लिए? पूछ रहा है सॉरी किस लिए? कल ना सुजीत को प्रपोज किया था, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सच में? डायरेक्ट लिप लॉक। ए सुजीत। कल अक्षरा ने तुम्हें प्रपोज किया था ना, और डायरेक्ट लिप लॉक और चुप कर। तुम रुको, मैं अभी ऊपर आता हूँ। सुनो अक्षरा, अक्षरा मेरी बात सुनो। सॉरी बोलने के लिए ही तो चिट भेजा था। कहाँ पे क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता तुम्हें, पागल हो गई हो क्या? अरे ऐसे ही मजाक किया ना। क्या मजाक, हमेशा मजाक ही सूझता है तुम्हें। शिट।
देखो हमारे चाहे कितने भी जन्म हो जाए, हमारा प्यार एक नहीं हो सकता। क्या कहा, क्या कहा? मुझे देखकर बोलो, बोलो, मुझे मना कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम, ये सब क्या कर रही हो? जैसे मेरी चूड़ियां टूट गई हैं, अब तुम ही खरीद कर दोगे वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, चूड़ियां खरीद दूंगा, पर दोबारा पीछा मत करना मेरा वरना दांत तोड़ दूंगा। चलो बैठो। सपने देखना बंद करो और दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? ओके बाय। मैं ऑटो में बैठूं तब तक तुम यहीं पर रहना, ओके? अरे जाओ ना। बाय। हाँ ठीक है, बाय, जाओ। भैया यहाँ पर कैसे? रोज देख रही हूँ भैया, आपके अंदर का राक्षस ना बढ़ता जा रहा है। अक्षरा, ऐसा क्यों बोला? पता नहीं, आप पास होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। सुनो, मुझे सुजीत के बारे में और जानकारी चाहिए। उसके सारे दोस्तों को बुलाओ। ओके सर। तुम सबको पता है, अच्छी तरह पता है कि वहां क्या हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ, पक्का प्लान करके हुआ। तुम्हारे दोस्त और उस लड़की से संबंधित हर जानकारी मुझे चाहिए। हमें मारिए मत सर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इससे ज्यादा हमें कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें नहीं पता? सच में नहीं पता? मैं कुछ बताना चाहता हूं सर, शायद आपके काम आ जाए। बोलो। सुजीत अक्षरा को पसंद नहीं करता था, लेकिन अक्षरा सुजीत के पीछे पड़ी रहती थी। और इसी गलतफहमी में आरजी ने सुजीत पर अटैक करवाया।
ले चल संभाल के ला डाल डाल रख चल पिला पिला दे पिला दे डाल मुंह में चल चल भाई चल हो गया काम अपना काम तो हो गया सही कहा चल पी ले बढ़िया से मस्त है अरे आरजी का आदमी आया अरे चल देखते हैं क्या बात है आ जा चल 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 के देखते चल आ भाई अरे पाप हो गया बोल पिला के नाव में छोड़ दिया भाई अभी तक मछलियों का आहार बन गया होगा अरे ये नाव तो वापस आ गई अभी तो नाव उधर छोड़ के आए थे फिर ये अपने आप वापस कैसे आ गई भाई नाव में कोई नहीं है ये क्या उधर जाकर देख और तू इधर देख चलो 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 देख 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 आजा आजा अगर वो नहीं मरेगा तो हम सब मर जाएंगे ढूंढ उसे उस वक्त सुजीत को मैंने ही बचाया और मैंने ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया था सर सुजीत के बारे में सोचकर अक्षरा टेंशन में आ गई थी वो हॉस्पिटल में है मैंने ही उसे बताया अक्षरा किसे ढूंढ रही हो तुम सुजीत को क्या वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है क्या तुम उसे ना ढूंढो तो ही उसके लिए अच्छा होगा कम से कम जिंदा तो रहेगा सुजीत हॉस्पिटल में ये सुनकर अक्षरा को बहुत दुख हुआ सर ये सब कुछ उसके भाई ने करवाया है ये वो समझ गई थी क्या बात है लक्ष्मी चिप्स खा रही हो हाँ आंटी ऐसे कुछ भी मत खाया करो ड्राई फ्रूट को रात में भिगोकर सुबह उसे खाया करो बच्चा सुंदर होगा ए लक्ष्मी तुम ससुराल क्यों नहीं जा रही हो यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए लड़की का पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए ये कहीं भी रहे तुम्हें क्या अरे माँ पहले बच्चे के समय आप कहाँ पर थी और कहाँ रहती मैं अपने माँ के घर पे थी चाहे कोई भी औरत हो उसका पहला बच्चा उसके मायके में ही होना चाहिए चाहे कोई भी लड़की हो उसका पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए क्या ये बात हमारी दीदी पे लागू नहीं होती है बोलिए ना माँ मोहल्ले भर को आप सलाह देती हैं लेकिन अपनी बेटी को जानबूझकर भुला रही हैं आप अरे सब मर गए सोचकर चली गई थी ना अगर हम सलाह मशवरा देंगे तो वो सुनेगी क्या हमारी बात सब कुछ छोड़कर गई है ना पापा ए,
क्या है जो मन में आया बोले जा रहा है तू? दीदी ने कौन सा गुनाह कर दिया माँ? पर जिससे प्यार किया उससे शादी की, इस बात से तो खुश होना चाहिए। और अगर वो दुखी है तो हमें भी उसके दुख में साथ होना चाहिए माँ। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ माँ। वो खुश है, इस बात का दुख नहीं है हमें। उसकी खुशी के लिए हमने क्या खोया है तुम्हें पता है क्या? उसको जन्म देने के लिए तेरी माँ मौत तक से लड़ गई थी। सर बच्चा घूम गया है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ऑपरेशन करना होगा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। उसके जन्म लेते ही है खुशी के मारे एकदम से पागल हो गई थी। 20 सालों तक इसी घर में पली बढ़ी वो, हर जगह उसी की यादें छुपी हुई हैं। सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। यहां तक कि अपने मां की गर्भ का एहसान तक नहीं माना उसने। आसपास के लोग, रिश्तेदार, हमारी परवरिश पर आज भी उंगली उठा रहे हैं। हम किस दर्द से गुजर रहे हैं हमें ही पता है। सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि हम उसका कन्यादान नहीं कर पाए। जब तक जिंदा रहेंगे दर्द बना रहेगा, कैसे भूलेंगे हम? जितना दर्द आपको है पापा, उससे कहीं ज्यादा दर्द हमारी दीदी को है। आप उससे प्यार से बात करेंगे इस बात का वो इंतजार कर रही है। सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता ही आपने ही सिखाया था, और मुझे यकीन है कि आप बड़े दिल वाले हैं पापा। बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी किस्मत खुलने का समय आ गया। ठीक है पापा। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। बैठिए। लीजिए। लड़के का अमेरिका में एमएस हो गया है, कुछ दिनों पहले जॉब भी मिल गई। लड़के की परवरिश बहुत शिद्दत से की है। आपकी बहन को हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़की बहुत अच्छी है ना? हाँ पापा। अरे देख वही है माँ, उसे तैयार करके ले आओ। ठीक है। लड़की का तैयार क्या होना, हमने उसे देख लिया है। आगे की बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। सब रस्म और रिवाज से हो तो सबको इस बात में खुशी होती है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप कर, क्या बोले जा रही है तू? पापा लड़की को तो ये रिश्ता पसंद ही नहीं है। एक बात पूछूं जी सर, आपने अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाया कि शादी का फैसला बड़े करते हैं? मेरे बेटे को ये सब अच्छी तरह पता है, लेकिन किसी और को? आप फिक्र मत कीजिए, शादी की तैयारी कीजिए। सुजीत का नाम मेरे दिल पर लिखा है। सुजीत को आप मुझसे दूर नहीं कर सकते, अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। अब क्या करेंगे आप? बेटा ये आपका पारिवारिक मामला है, आपस में बात कर लें। माफ करना बेटा, घर का बेटा अगर नहीं माने तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर लड़की नहीं माने तो हर किसी से ताने सुनने पड़ते हैं। सिर्फ रिश्ते की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बात दिल पर नाम लिखने तक आ गई है। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? आप ही देखिए कि गांव में ये बात फैले ना। बस अब आप संस्कारों की बातें मत कीजिए, हम निकलते हैं। बचपन में मुझे जो भी पसंद होता था सबसे पहले आपको पता चलता था, तो फिर मेरे प्यार के बारे में कैसे नहीं पता चला? हाँ आप चाहे कितने भी लड़के ले आए, मैं शादी तो उसी से करूंगी। मैं जीऊंगी और मरूंगी तो सुजीत के साथ। और अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अभी मर जाऊंगी। जाकर मर जाओ राघव। मेरी बहन किसी के साथ भाग जाए इससे बेहतर है कि वो जाकर कहीं मर जाए। मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अक्षरा अक्षरा
अक्षरा ने जहर पी लिया, ये बात हम लोगों ने उसे बताई थी। अरे सुजीत यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुमसे बोल रहा हूँ, अक्षरा ने जहर पी लिया, हॉस्पिटल में है, उसकी जान खतरे में है। मुझे मालूम था कि ये सब होगा। प्यार को निभाना आसान नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अक्षरा से बात करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सुजीत ने अपनी दीदी की गोद भराई के लिए अपने माँ बाप को मना लिया था सर। गोद भराई के बाद सुजीत ने अक्षरा से मिलने का फैसला किया था। बेटी क्या हुआ? बेटी तुम्हें दर्द शुरू हो गया क्या? सुनो जी जल्दी आइए, इसे दर्द हो रहा है, मैं संभालती हूँ, आप जल्दी से हॉस्पिटल में फोन कीजिए। उसके बाद सुजीत अक्षरा से मिलने गया, आगे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? केस हैंडल करते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया, अभी क्या बाकी रह गया है? इस केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है सर, आई नीड सम मोर टाइम। कॉम्प्लिकेशन से आपको क्या लेना देना है? गवाह वगैरह सब कुछ बराबर है ना? जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करो, समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर ऑर्डर, गवाह नहीं होने की वजह से केस को अगले शुक्रवार तक स्थगित किया जाता है। तब तक मुलजिम आरजी को रिमांड में भेजने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश जारी किया जाता है। सिस्टर इधर आइए। जयंत सर, आरजी के आदमी को होश आ गया है सर। होश में आ गया? हाँ सर। गाड़ी स्टार्ट करो। आरजी साहब, आपकी बेल मंजूर हो गई है, मुबारक हो। उस दिन वहां पर जो भी हुआ उसके बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां क्या हुआ था सिर्फ तुम जानते हो। और वहां क्या हुआ था यही जानने के लिए मैंने तुम्हें बचाया है। आखिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ भाई, अचानक आ गए?
मतैया से मिलना होगा। भाई आप दोनों में 36 का आंकड़ा है और अकेले उससे मिलने जाना ठीक नहीं होगा। उसकी वजह से हमारे खानदान पे दाग नहीं लगे और उसकी शादी मैं ही कराऊंगा। बचपन से कितने सपने देखे हैं कि मैं उसे अपने हाथों से विदा करूंगा, वो तो मैं करूंगा ही। मुतैया, तुमसे कभी मिलूंगा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी एक बहन है और मेरी बहन मेरी जान है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। और मेरी बहन ने भी मेरी खींची लक्ष्मण रेखा को कभी भी पार नहीं किया। अब वो एक लड़के से प्यार करती है और अब मेरे खिलाफ ही बोलती है। वह उसके लिए पागल होती जा रही है। उसको तुम डराओ मारो मैं नहीं जानता। मुझे मेरी बहन चाहिए बस, मुझे उसकी जिंदगी चाहिए बस। जो बोलोगे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा, बस मेरी इतनी मदद कर दो। मैं तेरा दुख समझ गया आरजी। मेरा धंधा है समुद्र की मछलियों को पकड़ना और इंसानों का कत्ल करना। मैं पैसों के लिए किसी को भी मार सकता हूं, तू चिंता मत कर। ये बात मैं सुजीत को बताकर उसे बचाने की सोच रहा था। मैंने उसको फॉलो भी किया था। और उसी समय अक्षरा सुजीत से मिलने के लिए वहां आई। सुजीत, सॉरी सुजीत, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया ऐसा कुछ कर बैठेंगे, इतने वायलेंट हो जाएंगे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे हमेशा बेस्ट दिया है। फिर चाहे मुझे बालों के लिए हेयर पिन चाहिए हो या पैरों के लिए नेल पॉलिश ही क्यों ना चाहिए हो, सब कुछ उन्होंने मुझे लाकर दिया। मेरी पसंद या फिर मेरी नापसंद बिना कहे ही वो हमेशा समझ जाते थे। लेकिन मेरे मन में तुम हो ये जानने के बाद भी पता नहीं क्यों वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं। इसीलिए मैं भैया को बस बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूं। अक्षरा, तुम अपने नाम की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। लेकिन प्यार को निभाना आसान नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है। इस सूरज के अंदर ना बहुत आग होती, उसके करीब जाकर ही पता चलता है। प्यार भी वैसा ही होता है। ये समाज प्यार को एक्सेप्ट ना करे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर चाहे तुम्हारी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो। अगर फैमिली प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो प्यार की दुश्मन बन जाती है और फिर प्यार करने वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो भाग जाओ या तो जान दे दो। छे, और यही प्यार की असलियत है। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, मेरी भी एक बड़ी दीदी है जो किसी लड़के से बेपनाह प्यार करती थी, पर हमारी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अगर मैंने उसे सपोर्ट किया होता तो वो आज हमारे साथ होती, हमारा परिवार भी एक हैप्पी परिवार होता। ये सब जानने के बाद मैं आखिर वो गलती कैसे दोहराऊं, तुम ही बताओ ना। तुम्हें ये बात पता है हमारे माँ बाप को खुशी कब मिलती है? जब हमारे माँ बाप हमारी शादी करवा कर हमें आशीर्वाद देते हैं तब मिलती है। प्यार करने से रिश्ते बनने चाहिए,
ना कि रिश्ते मिटने चाहिए। एक पिता बड़े प्यार से अपनी बच्ची की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करता है और फिर वो उसी बच्ची से दूर होकर कैसे खुश रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा परिवार भी तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता है, तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता है। लोग भाई को तो भगवान मानते हैं, भाई को दुश्मन मत मानो। जो इंसान तुम्हें मार देना चाहता है उसे ही तुम भगवान कह रहे हो, लेकिन असल में वो भगवान नहीं है, तुम हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जीना है, बच्चे पैदा करने हैं, पर शायद मेरे और तुम्हारे प्यार में स्वार्थ है। तुम जो कह रहे हो शायद वो सही हो, लेकिन प्यार का मतलब तो साथ रहना होता है ना। शायद मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करूंगी। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी कर पाए। मैं चलती हूँ, जा रही हूँ। मेरा भाई जिससे कहेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। सुजीत बाय। अक्षरा अक्षरा से विनती की सुजीत ने, तुम्हारे भाई ने जो कहा है वो करो, कैसे भी झगड़े खत्म हो जाएं। इसलिए मैंने सब कुछ फोन से शूट किया और आरजी को भेजा। सुजीत को उसने वाला समझाइए उसकी समझ में आ गया और इतने में ही तू यहां पर क्यों आया? तू जल्दी से यहां से भाग जा, आरजी ने अपने आदमी को भेजा तुझे मारने के लिए। Oh!
काट के भाग रही है गाड़ी रो। देख मेरी बात सुन, अक्षरा को छोड़ दे। ए, 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 प्लीज यार। ए, सॉरी यार सुजीत।
अब तो बहुत खुश होगे ना? तुम्हारे बदले की आग ने तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया। क्या हासिल हुआ तुम्हें? मुझे मारना था तो मुझे मार लेते, इन सब से क्या मिला तुम्हें? मैंने पहले ही कहा था तुमसे, चाहे तुम कन्विंस हो या ना हो, मैं कन्विंस हूं या ना हूं, तुम चाहकर भी अक्षरा को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे। Close friends? Fully close. Thanks. Okay. इस पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम ही एक जीजा जी हो और इस पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही एक दीदी हूँ, तो रिश्ता हो गया ना? अब जीऊंगी और मरूंगी सिर्फ तुम्हारे साथ। उसी दिन मुतैया को मार देता, लेकिन आरजी ने अपने ऊपर केस क्यों लिया? वो मुतैया का एरिया था। दिवाली के आने में कुछ ही महीने बचे थे, आरजी जाकर मुतैया से मिला, तभी ये सारा प्लान बदल गया। इसीलिए आरजी यहां जेल में रहा। भाई को सजा हो गई ये सोचकर मुतैया आराम से बाहर घूम रहा था। आरजी मौके की तलाश में था, वो सच में उसे नहीं छोड़ेगा। खुश हो? अब खुश हो ना? जब पैदा किया तो नाम इज्जत सब कुछ था मेरे पास, क्यों छीन लिया मुझसे सब? पैदा होते ही मुझे
मुझे क्यों नहीं मार दिया तुमने? मैं अपनी बहन को जिंदगी भर बेस्ट दूंगा बोलता रहा। आज इन्हीं हाथों से मैंने उसे खत्म कर दिया। कौन सी खुशी मैंने दी है उसे? कौन सी खुशी दी है? कौन सी? इंसान जानवर बन रहा है, पर सच्चाई यह है कि जानवर को धोखा, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ जैसी चीजों के बारे में पता ही नहीं। कोई भी जानवर अगर शिकार करता है तो सिर्फ अपने पेट के लिए, और जब पेट भर जाता है तो वो चला जाता है। शिकार को वो अपने साथ लेकर नहीं जाता है। लेकिन जब इंसान के अंदर जानवर पैदा होता है तो वो सोचता है उसे ये चाहिए, वो चाहिए। इसी मूर्खता के साथ बिना सोचे वो फैसला लेता है और फिर ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अगर इसे रोकना है तो इंसान को इंसान की तरह सोचना होगा और उसे सही निर्णय लेना होगा।